बच्चों को जन्म देते ही मर जाते हैं ये 7 अनोखे जीव। दुनिया में ऐसे छोटे जीव भी हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, और हाथी और व्हेल जैसे विशाल प्राणी भी हैं। जीव जंतुओं की दुनिया कई आश्चर्यों से भरी पड़ी है। बता दें कि सभी जीव प्राणी अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे अनोखे जीव के बारे में बताएंगे जो अपने बच्चों को जन्म देते ही मर जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सेक्रोपिया मौत के पंख 6 इंच तक चौड़े होते हैं। एडल्ट होने के सेक्रोपिया मौत का जीवन मुश्किलों से भरा पड़ा रहता है, और अंडे देने के बाद ही इनकी मौत हो जाती है। मेफ्लाई का जीवन काल भी बहुत छोटा होता है। एडल्ट होने के बाद मेफ्लाई के मेटिंग करने और अंडे देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। भारतीय महासागर की गहराई में पाए जाने वाले हुबर्ट केल्प एक प्रकार के समुद्री शैवाल जैसे होते हैं। इनका जीवन काल भी केवल एक बच्चे के जन्म देने तक सीमित रहता है। सेमेलेशन एक तरह की समुद्री कीड़ा है। इस जीव का भी जीवन काल केवल प्रजनन तक सीमित रहता है। बच्चों को जन्म देने के बाद सेलेमेशन की भी मौत हो जाती है। मादा ऑक्टोपस अपने बच्चों की देखभाल करती है, और आमतौर पर एक बार अंडे फूट जाने के बाद थकावट के कारण वह भी मर जाती है। यूरोपियन ग्लो वर्म लार्वा के रूप में 3 साल तक जीवित रहते हैं और चट्टानों के नीचे घास के ढेरों में छिपे रहते हैं। मादा यूरोपियन ग्लो वर्म की अंडा देते ही मौत हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मादा प्रेइंग मैटिंग्स अंडा देने के तुरंत बाद मर जाती है।